हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और सुनिएगा भी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज्ड अ पिकनिक। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 261 अपॉन 1/2। द टोटल कंट्रीब्यूशन वाज 2876 अपॉन 1/2। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ठीक है। देखो, एक मतलब बहुत सारे बच्चे का समूह था, वो सभी बच्चे मिल के एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का नहीं होता है कि ग्रुप ऑफ सभी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था, एक बच्चों का स्टूडेंट का समूह था। उन लोगों का सोचा कि चलो पिकनिक चलते हैं, तो उन्होंने पिकनिक जाने के लिए बोला कि कितना पैसा की इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो सभी बच्चे का किए कि एक बच्चा दे रहा है 261 अपॉन 1/2, मैंने एक बच्चा इतना रुपये दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक बच्चा उतना दिया, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन जो था है आपको वह 2876 अपॉन 1/2 इतना टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ। तो आपको कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के कितना, तो बताओ कि टोटल स्टूडेंट कितना उस पिकनिक जाने के लिए पार्टिसिपेट हुए थे, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया है कि जो टोटल, देखो टोटल मनी गिवन बाय वन स्टूडेंट के द्वारा जो पैसा दिया गया है उसे डिवाइड कर दो। टोटल जितना मनी है और टोटल मनी सभी बच्चे सभी स्टूडेंट मिलकर जो दिए हुए हैं वह मनी, और उस पैसे को एक स्टूडेंट के द्वारा जो दिया जाता है उससे डिवाइड कर दो, आपका निकल जाएगा कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट गए थे पिकनिक में, ठीक है। तो देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ, मतलब टोटल पैसा मिला था आपको 2876 अपॉन 1/2, और जो है उसके बाद जो था कंट्रीब्यूशन बाय वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कितना दिया आपको 261 अपॉन 1/2 दिया, ठीक है। मतलब टोटल देखो, ग्रुप में बहुत सारे, एक मैंने ग्रुप था, उस ग्रुप मिल के बोला कि चलो पिकनिक चलते हैं, तो उसने पैसा का किया, एक बच्चा आपको एक बच्चा दिया 261 अपॉन 1/2 पैसा दिया, इतना रुपया दिया, और लेकिन सभी बच्चे मिल के का जो भी पैसा दिया था वो टोटल पैसा इतना था, और एक बच्चे के द्वारा इतना दे रहा, सभी को इक्वली पैसा दे रहा है। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना स्टूडेंट उस पिकनिक में जाने के लिए पार्टिसिपेट हुए थे। तो कभी भी नंबर निकालना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिंपली लिख दे रहा है, नहीं तो बड़ा हो जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन आपको पिकनिक, देन लंबा हो जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, देन आपको टोटल कंट्रीब्यूशन, देखो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आपका कंट्रीब्यूशन बाय वन स्टूडेंट, यही फंडा है, बस कुछ फंडा नहीं है, बस यही फंडा, आप यही सब फंडा, टोटल जितना भी है टोटल पैसा बाय एक स्टूडेंट द्वारा पैसा दिया गया उससे डिवाइड कर दो, बस कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। आप सोचोगे तो बहुत हार्ड है, और सिंपली थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो बहुत इजी है, ओके। तो देखो, एन इज द, मान लो कि इसे एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होता हुआ था आपका 2876 अपॉन 1/2 डिवाइडेड बाई एक कंट्री, वन स्टूडेंट में कितना कंट्रीब्यूट हुआ था आपका 261 अपॉन 1/2। तो देखियो, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 12, उसके बाद 7 × 14, 1 × 15, 8 × 16, 1 × 17, 2 × 4, 1 × 5, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ ऐड हो जाएगा +1/2 डिवाइड बाय, तो 2, 6 × 12, 2 × 4, 1 × 5, उसके साथ इसे ऐड +1/2। देखिए 2 × 3, 5, 57, 52 तो 57, 53 हो जाएंगे, तो 57, 5, 7, 5, 3/2 एन डिवाइड बाई, और 522, देन 522 एक 23, 523 हमको लगा सब में ऐड करना है, ओके, देन 2। देखो
5753 बाई टू। अब इसको सॉल्व करना होता है, आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हो, इसको उल्टा कर देते हो, रेसिप्रोकेट कर देते हो, मतलब उल्टा कर देते हो, जो नीचे होता है उसको ऊपर, जो ऊपर होता है नीचे, देखो नीचे है तो ऊपर लिख दो 2, और ये ऊपर है देन नीचे लिख दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बच्चा आपका यह, तो आप क्या करो, यहाँ 523 को 5753 से डिवाइड करो, देखो 1 से होगा 523, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 7 में से आपका 7 में से 2 गया कितना बचा 5, और 5 कट गया ऊपर से तो आपका 3, फिर 1 बार में 523, देन ऑल इज कैंसल्ड, ओके, देन ये कैंसिल कितना में 11 बार में, n इज द 11, n क्या निकला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द पिकनिक, देखो हैंस जूता है, देयर आर 11 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द ग्रुप ऑफ पिकनिक, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ओके, थैंक यू।